हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, आज मैं ये दो कलर से आपको ये लेडीज़ थंब वाली सॉक्स बना के बताऊंगी। तो फ्रेंड, ये मैंने 45 फंदों से स्टार्ट करी है। यहाँ से ये मैंने 45 फंदे डाले हुए हैं इसमें, और इसमें छः छः जालियाँ बना के इसको इस तरह से बना रखा है, ये देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सुंदर लगती है वाली सॉक्स, बहुत ही कम्फर्टेबल होती है पहनने में। अब ये देखिए फ्रेंड, 8 सिलाइयाँ मैंने उल्टी उल्टी लगा रखी हैं, इससे चार धारियाँ हमारी ये बन के आ गई है। अब इसके बाद हम उल्टी साइड पे हैं। अब देखिए फ्रेंड, ये उल्टी साइड पे हैं हम, और उल्टी साइड पे हम दूसरे कलर से एक सिलाई ये उल्टी लगा लेंगे, पूरी उल्टी 45 फंदों को उल्टा उल्टा बना लेंगे सभी को। फ्रेंड, बिगनर भी इसको बड़ी आसानी से बना सकते हैं, बहुत ही आसान डिज़ाइन है ये, खासकर मैं बिगनर के लिए लेके आई हूँ। जिनको उल्टी सीधी बनाना आती है, वो बहुत आसानी से इस वाली सॉक्स को बना सकते हैं। इस तरह से हमें पूरी सिलाई उल्टी बना लेंगे। अब देखिए फ्रेंड, हम सीधी साइड पे हैं, ये भी मैं उल्टी सिलाई बनाऊंगी, और 22 फंदे हम उल्टे उल्टे बना लेंगे। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22। इस एक फंदे पे हम दोनों साइड जाली बनाएंगे और 22 फंदे इधर छोड़ेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमें जाली बनाएंगे और एक फंदा सीधा बनाएंगे। अब इस तरह से जाली बनाएंगे और सभी 22 फंदों को उल्टा बना देंगे। अब फ्रेंड, उल्टी सिलाई बिल्कुल उल्टी बनाएंगे हम पूरी। इसमें हमने कोई जाली नहीं बनानी है, कुछ भी नहीं बनाना है, सभी फंदों को इस तरह से उल्टा उल्टा बना देना है। और फिर सीधी सिलाई पे फिर मैं आपको आगे किस तरह से जाली बनानी है वो दिखाऊंगी। फ्रेंड, ये देखिए 22 फंदे मैंने बना लिए। हर बार हमने 22 फंदे बनाने हैं, इसके बाद हमने इस तरह से जाली बनानी है। हर सिलाई में, हर सीधी सिलाई में हमने 22 फंदे बनाने हैं और एक जाली बनानी है। और देखिए, ये हमारा जाली वाला फंदा है, तो इसको हम सीधा बनाएंगे। ये बीच वाला फंदा है और फिर से जाली वाला फंदा है, और फिर हम इस तरह से जाली बनाएंगे, धागा अपनी साइड करेंगे और सभी 22 फंदों को उल्टा उल्टा बना देंगे। इसके बाद उल्टी सिलाई हम फिर पूरी उल्टी बनाएंगे, फिर आगे फिर मैं आपको जाली बनाना बताऊँगी। फ्रेंड, ये देखिए 22 फंदे मैंने उल्टे उल्टे बना लिए हैं। अब फिर से हम जाली बनाएंगे इस तरह से, और बीच वाले सभी फंदों को, दोनों जालियों के बीच वाले फंदों को हम सीधा ही बनाएंगे। ये जाली वाला है, इसको भी सीधा बनाएंगे। अब फिर जाली बनाएंगे, अपने साइड को धागा करेंगे और सभी 22 फंदों को उल्टा उल्टा बना लेंगे। इस तरह से हमारी तीसरी जाली पड़ गई, 6 जालियाँ बनाएंगे हम, और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनेंगी। फिर आगे बार फिर मैं आपको बताऊंगी सीधी साइड पे। फ्रेंड, ये देखिए 22 फंदे मैंने बना लिए, और एक दो तीन, तीन जाली हमारी दिख रही हैं। अब चौथी जाली है, और बीच वाले फंदे हम सीधे बना देंगे। देखिए इस तरह से चार जालियां हमारी हो गई, और दो इसके बाद और डालेंगे हम, छः छः जालियों का डिजाइन बनाएंगे। और इस तरह से ये 22 फंदे हम उल्टे उल्टे बना देंगे, और इसके बाद हम उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड, 22 फंदे मैंने उल्टे बना लिए। अब जाली के साथ हम फिर से जाली बनाएंगे और बीच वाले सभी फंदों को सीधा बना देंगे।
ये हमारी पांचवी जाली है और इसके बाद एक और बनाएंगे, हम छह जालियां बनाएंगे। बीच वाले सभी फंदों को हम सीधा ही बनाएंगे। जाली वाला फंदा बनाया, फिर जाली बनाई, धागा अपनी साइड करा और 22 फंदों को उल्टा उल्टा बना लिया। इसके बाद उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनाएंगे, फिर एक जाली और बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये छठी जाली है हमारी फ्रेंड, ये देखिए इस तरह से। और बीच वाले सभी फंदों को सीधा बना देंगे। अब धागा अपनी साइड करेंगे जाली बना के और 22 फंदों को उल्टा उल्टा बना देंगे। इसके बाद उल्टी सिलाई हम ब्लू कलर से लगाएंगे पूरी, और उसके बाद ये देखिए उल्टी सिलाई ब्लू कलर की लगाएंगे और ब्लू कलर का ही डिज़ाइन 6 बार डालेंगे हम जालियाँ। उसके बाद पिंक का डालेंगे, तो इस तरह से 2 बार मैं बना लेती हूँ। अब देखिए फ्रेंड ब्लू कलर बना रहे हैं हम, तो ये 22 फंदे मैंने उल्टे उल्टे बना लिए। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 फंदे हम फिर उल्टे बनाएंगे, 22 में 6 और जोड़ देंगे हम उल्टे। और इसके बाद फिर वैसे ही जाली बनाना स्टार्ट करेंगे। इस वाले बीच वाले ये देखिए ये वाला फंदा है हमारा, तो इसके दोनों साइड हम वैसे ही स्टार्ट करेंगे। देखिए बाकी फंदों को हम उल्टा बना देंगे, इसके साथ वालों को 6 फंदों को। अब हर एक बार हमने ये उल्टे ही बनाने हैं, यहाँ तक 28 फंदे हो गए हमारे ये। और इसके बाद जो हमारे बीच में फंदे बढ़ते जाएंगे उनको हम सीधा ही बनाएंगे। तो ये मैं बना लेती हूँ इस तरह से। फिर हमने पिंक लगाना है, तब भी ऐसे ही करना है, जो 6 फंदे उसमें और जोड़ने हैं उल्टे। तो ये मैं बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ फ्रेंड। ये देखिए मैंने बना लिया, 1 2 3 बार जालियाँ बना ली हैं और ये 81 फंदे हैं हमारे। तो 40 फंदे हम इस साइड करेंगे और 41 इस साइड, चाहे आप 41 इस साइड कर लीजिए, एक फंदा हमारा एक्स्ट्रा है जहाँ पे हमने जालियाँ बनाई हैं। तो अब ये देखिए 14 सिलाइयाँ हम उल्टी उल्टी बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे उल्टी उल्टी धारियाँ आई हैं। तो ये 14 सिलाइयाँ बना रखी है मैंने। तो इस तरह से ये पहले एक साइड का ही बनाएंगे हम। देखिए इस तरह से उल्टा उल्टा ही बनाएंगे दोनों साइड से इसको। और ये 14 सिलाइयाँ मैं लगा लेती हूँ, फिर बंद करना बताऊँगी किस तरह से बंद करना है और फिर दूसरा पार्ट हमने किस तरह से स्टार्ट करना है। फ्रेंड देखिए 7 सिलाइयाँ मैंने बना ली हैं, 14 सिलाइयाँ 7 धारियाँ बन के आ गई हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब इनको बंद करेंगे हम। एक फंदा बनाएंगे, दूसरा इसके ऊपर से उतार देंगे, इस तरह से सभी फंदों को बंद कर देंगे। इसके बाद हम बंद करने के बाद फिर सिलेंगे इसको। ये मैं बंद कर लेती हूँ, देखिए बंद हो रहे हैं फ्रेंड। देखिए मैंने बंद कर लिया, अब हम इसको सिलेंगे। तो इस तरह से सीधी साइड अंदर की साइड करेंगे और उल्टी बाहर की साइड। अब यहाँ से लेके यहाँ नीचे तक सिलेंगे इसको। तो देखिए एक फंदा इधर का, एक इधर का, इस तरह से एक फंदा इधर का लेते रहेंगे, एक इधर का, और नीचे तक इसको इसी तरह से सिल देंगे।
ये मैं सिल लेती हूँ। ये देखिए इस तरह से हम सिलते जाएंगे और यहाँ नीचे तक इसको सिल देंगे। फ्रेंड देखिए अब ये सिल लिया मैंने, अब इस साइड को सिलेंगे हम। ये देखिए इस तरह से एक फंदा इधर से और एक इधर से। ये हम यहाँ से 10 फंदे पीछे तक सिलेंगे यहाँ तक। इसके बाद हम अंगूठे बनाएंगे। यहाँ पे हम 2-3 टांके अच्छे से लगा देंगे टाइट टाइट इस तरह से। अब इस तरह से पकड़ेंगे इसको। पहले ए वाली साइड सिल लेते हैं इस तरह से। अब इसके बाद हम ए वाली साइड सिलेंगे। अब देखिए फ्रेंड इसको सीधा करेंगे हम। ये देखिए ये देखिए फ्रेंड इसका फाइनल लुक। फ्रेंड आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू फ्रेंड।